बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और जनाब, ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी कर ली है और कुर्बानी के गोश्त को तकसीम कर लिया है, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने कुर्बानी कर ली है और गोश्त जो कुर्बानी का गोश्त है उसको फ्रिज में भर लिया है। और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो अपने दोस्तों को मिल चुके हैं, अपने ससुराल से होके आ गए हैं, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो ससुराल से वापस मेके पहुंच चुके हैं। और जनाब, ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने बहुत सारी ईद इकट्ठी की, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने बहुत सारा गोश्त तकसीम किया, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने बहुत सारे खिलौने जमा किए हैं, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने रज रज के सोया है, ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्हें सोने का जरा वक्त नहीं मिला, ईद मुबारक उन सभी खवातीन को बिल्कुल किचन की तरफ नहीं झांका, और ईद मुबारक उन सभी खवातीन को जो किचन से बाहर नहीं देख सकी कि दुनिया क्या है। ईद मुबारक उन सभी मर्द हजरात को जो नए कपड़े पहन के मन ठान के रिश्तेदारों के घर गए, और ईद मुबारक उन सभी खवातीन को जिन्हें अपने शॉपिंग किए हुए कपड़े पहनने की तौफीक नसीब नहीं हुई, किचन को ही जान नहीं छुटी। ईद मुबारक उन सभी बच्चों को जिनके नानके उनको ईद देने के लिए आए थे, और ईद मुबारक उन सभी बच्चों को जिनके दादकू ने उन्हें जफियां और पपियां दी। वैसे इस ईद पे फरदोस आशिकाबाद ने मना तो नहीं किया था ना जफियों पपियों को। ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्हें ससुराल वालों ने ईद भेजी, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो ईद के बाद शादी कर रहे हैं। और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो प्रदेश में है और देश वालों को व्हाट्सएप पे देख देख के खुश हो रहे हैं, और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो देश में है और प्रदेश में जाने के लिए तरस रहे हैं, चाहे टंकी ला के जाना पड़े। ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने बकरा तो सारा फ्रिज में रख लिया है मगर मोटा गोश्त बच्चे का, वैड़े का, कट्टे का गोश्त तकसीम कर दिया है। और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जिन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये बकरा है तो क्या हुआ, उन्होंने बकरा भी तकसीम किया। तो एफएम 97 की पूरी टीम की तरफ से हर एक को, चाहे उसने ईद किसी भी रंग में मनाई हो, ईद मुबारक, और कहीं भी मनाई हो ईद मुबारक। और जनाब, मेरे साथ हैं दीदा तार, थैंक यू वेरी मच दीदा, और शहजाद को ईद मुबारक कह रहे हैं, जो जसरान है रनिया से, रनिया इज माई फेवरेट प्लेस जी, चौधरी एजाज रनिया, चौधरी खिलाफ रनिया इज लाइक माई ब्रदर। और राशिद अली कह रहे हैं हमारी तरफ से सबको, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, थैंक यू जी। और ये अली रिंद बलोच हैं, वो भी ईद मुबारक दे रहे हैं। और नईम अब्बास कह रहे हैं, और राशिद कह रहे हैं कि सारे इब्राहिम लाख का कोई सॉन्ग लगा दें, और होए किने किने जाना है शरीकों के घर, नहीं नहीं किने किने जाना है बिलो के घर, शरीकों ने सच्ची अग लगती, इन्हें जी कहड़ा गाना सुनना मेरे वीर ने। और डेढ़ा रड़ियाला वेलकम जी। तो आपने मुझे ये बताना है कि सच्ची सच्ची के फ्रिज में कितने किलो गोश्त इस वक्त है, और सच्ची जी कुछ लोगों के, कुछ गांव का ना ट्रांसफार्मर सड़ गए हैं, और कुछ की डीएं उठ गई हैं, और कुछ की बिजली शिजली नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या बनेगा यार। और वो कौन कौन से मर्द हजरात हैं जिन्होंने इस चीज पे कुकिंग करके खवातीन को खिलाई। और जो लोग देश में है, प्रदेश में, जहां जहां भी हैं, उन्होंने कितना कितना गोश्त खाया, खुदा का नाम है, हाथ ओला रखना है, वरना बाद च पेप्सी।
और जनाब कलीमुल्ला है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, तो ईद मुबारक कलीम, कैसे हैं आप और कोयत के क्या हाल है। और मंसर अली हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, शो बहुत अच्छा है, आई एम फ्रॉम दुबई। और यार ये दुबई वालों ने सुना फ्राइडे पाकिस्तान की बंद कर दिया, मेरे दोस्त इधर आया हुआ है फंस गया बेचारा, वापस ही नहीं जा सका। और आज तमीना मलिक कह रही है ईद मुबारक टू यू, थैंक यू थैंक यू। और मंसर अली है मेरे साथ, सईद उमर है मेरे साथ, थैंक यू बॉस, थैंक यू शाहजी। और लवली ग्रुप की तरफ से सबको मुबारक दे रहे हैं, ये लवली ग्रुप में कौन कौन शामिल है ये मुझे नहीं पता। और कौन कौन है वो लोग जिनकी ईद पे खास खास व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, खास खास कॉल्स हुई हैं और खास खास जगह से गोश्त आया है, यहाँ गोश्त दिया गया। उस्मान चौधरी कह रहे हैं लव यू, तो उस्मान चौधरी लव यू टू, किधर हो बॉस। मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं जी ईद मुबारक सुलेमान, थैंक यू। और अहमद जमाल है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि फैसल रशीद को दिल ईद मुबारक, तो मेरी तरफ से भी आपको दिल्ली गुर्दे वाली, फेफड़े वाली, कलेजे वाली और चांपू वाली और मगज वाली हाँ ईद मुबारक। और आयमा खान है जी मेरे साथ, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ईद मुबारक फ्रॉम बिम्बर आजाद कश्मीर। सो कैसे हो, इलेक्शन की तैयारी बिम्बर आजाद कश्मीर में है, इलेक्शन की खूब गमें गमी है, खूब नारे लग रहे हैं, आवे आवे जावे जावे। बहरहाल कोई भी आवे कोई भी जाए, खुदा करे आवाम की हालत सुधर जाए। और वैसे कौन कौन है, वो बड़े मैसेज चल रहे हैं ना कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, अना की कुर्बानी करें, नफरत को कुर्बान करें, नाराजगियों को कुर्बान कर दें, नाराजगियां खत्म कर दें, लोगों को गले लगा लें। तो किस किस ने इन मैसेजेस पे अमल किया, आहो इतना सोखा नहीं है, गल नहीं बनी है। और नासिर अहमद है मेरे साथ लगारी, और कहते हैं जी कि वो श्रृंगार सिंह से हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बेस्ट है, थैंक यू बॉस। मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग ही सुना दो, सुना देने जनाब तुसी दसो, तुसी कॉल करके अब क्यों नहीं सॉन्ग सुना दे। बहरहाल अगर आप कोई गाना सुनाना चाहते हैं और वो गाना किसी खास को सुनाना चाहते हैं तब भी वेलकम। कोई लतीफा, कोई शेर, कोई ईद के हवाले से यादगार वाकया, बचपन की ईद, जवानी की ईद, बुढ़ापे की ईद। और चांद मूवीज हैं मेरे साथ, नाइस थैंक यू। और मंसर अली कह रहे हैं जी कि उदास भाई को सलाम, तो उदास किधर हो, उदास आज भी उदास है, ईद वरे दा वरे दिहाड़ा, आज तो खुश हो गए। और लोग कहते हैं कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, कभी किसी का इंतजार करके देखो तो पता चलेगा वक्त कैसे गुजरता है। भले 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 इंतजार भी हो तब भी वक्त उतना ही गुजरता है, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। और अहमद जमाल उसे पूछ रहे हैं कि फैसल खारिया का टेम्परेचर क्या है, तो खारिया में अच्छी खासी गर्मी है, एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकता। और जुबैर को ईद मुबारक, और मोहम्मद इब्रार मेरे साथ हैं, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके जनाब आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0537601961 पे, करेंगे हम कुछ ईद से रिलेटेड काफी, ईद का तड़का जो है जी कुछ रेसिपीज डिस्कस करेंगे। और व्हाट्सएप और एसएमएस के लिए 0302395977। और जनाब मनसर कह रहे हैं कि शोएबी भाई को सलाम, तो सारे टब्बर को एक दफे सलाम दे देना बॉस। अच्छा किस किस ने ईद के तीनों दिन नए नए कपड़े पहने हैं, यानी तीन तीन जोड़े सिलवाए थे, खवातीनों हज़रात सच्चा सच्चा बताना है। और कौन है वो जिसने एक ही जोड़े में तीन दिन लगा दिए हैं, मका दिए हैं, टपा दिए हैं, टरका दिए हैं, और कौन कौन है वो जिसे कपड़े तो मौजूद थे पहनने का वक्त ही नहीं लगा, हाय जालमो। और अशफाक गुज्जर चेचियाँ से हैं मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अशफाक भाई। ये कौन सा चेचियाँ वाला, ये जो गलैना के पास है।
और शेवी चौधरी कह रहे हैं सर जी कैसे हैं आप, तो मैं फिट टू चौधरी साहब, आप सुनाओ। और शफाक गुजर कह रहे हैं जी सबको ईद मुबारक, और शकील भी कह रहे हैं सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक जी। और मनसर भी कह रहे हैं जी कि तुम्हारे भाई को सलाम। अच्छा यार बता क्या ईद का, ईद का दिन है तो कोई ऐसा गाना सुनाया जाए, एक दूसरे को हम सुनाते हैं, मैंने तो इधर से लगाने हैं ना, मुझे क्या है, लेकिन आप लोग अगर अपनी आवाज में गाना सुनाएंगे ना तो क्या बात है। ये फोन करने वाले किधर सो गए हैं, SMS WhatsApp हेलो एवरीबॉडी, ओ किथे हो जालमो। हाँ जी ये क्या हो गया, ओके जनाब जनाब जनाब, और मनसर रिया जी और शेबी कह रहे सलाम और गुलाम, मुस्तफा कहाँ से हैं, डिंगा से, और बीना बुखारी कह रही है तो सर आपका शो हो और तड़का ना हो, ये कैसे हो सकता है, मैं कोई वो क्या है वो जो यार कुकिंग शो करता है वो गुलजार, हाँ मैं कोई वो हूँ या दूसरा है वो जो हमारे छोटे बचपन में थी यार, एक तो जुबैदा आपा थी ना, नहीं उनको वो कुकिंग के वाले से नहीं शौक थी, एक और थी वो जो कुकिंग के वाले से बड़ी शौक थी वो थी, बाकी गला था खट्टी खाड़ा बीना। और शेबी कह रहे हैं कि सर आपने हमारे पढ़ाते, आप हमें पढ़ाते रहे गवर्नमेंट हाई स्कूल घोटने वाला में, अच्छा देख ले फिर। और उमर वाले कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। तो मैंने पूछा है कि किस किस ने तीनों दिन नया सूट पहना है, सच्ची सच्ची दसना, और किस किस ने कम अज कम 5,000 ईदी तकसीम की है, वो भी हाथ खड़ा करें ना जरा पता लगे, कोई गल नहीं कौन सा नैब का नोटिस आने वाला है या टैक्स वाले ने पूछना। जी तो आज की पहली कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ओ कैसे हो बॉस? मैं आना छाया मोजा पहिया ने, कैसी गुजरी ईद मेरे लाले दी? ना कर ना कर के फिट गुजरी मसलन मसलन बस कर। अच्छा ते अपना ईद शीत कोई कठी की थी? आप कुर्बान हो गए किसे कदम च ना कर, अगला ने छुरी हथे नाल फेरी है या किसे कोल मरवाया ने टोका? आप ही फेरी ने छुरी तेज है कि खुंडी है? आए ओए बले 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 बार आराम ही गई है मेरा ख्याल है। असली चल हाँ चलो कोई गल नहीं हो जाना कदे कदे। और ईद कैसी गुजरी तीन दिन? अच्छा ईद तीन दिन च कितने दिन नवा नवा सूट पाया? चलो कपड़े चेंज कर लो मेहरबानी, नहा लो बरे दबरा दू चलो। और कोई नवी ताजी? बड़ी मेहरबानी तेरा सान, मैं 2:38 हो 2:41 मिनट तक याद रखा, मैं ना जे जा तेरा प्यार उठ नहीं जा। चलो सही है जनाब, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जनाब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं भी काफी दिन हो गया कोई गाना नहीं सुना।
जी जी तो कौन है मेरे साथ? अशफाक गुज्जर है चेचे से, वो कहते हैं कि मैंने एक भी नहीं लिए। और के गल गुज्जर साहब, बेटियां कंजूसियां तुसी मज लै ली होनी है, गुज्जरां दा बड़ा वद है। और कह रहे हैं कि गुलानक साहब जो चेचियां वो वहां से तशरीफ रखते हैं और अभी वो स्पेन में है। तो बिल्कुल जी, आपका जो गाँव है बहुत खूबसूरत गाँव है, गुलाना की तरफ ही है मेरा भी गाँव, तो हम वहाँ से गुजरते हैं। अभी भी मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ और वहाँ मेरे अच्छे दोस्त हैं, दो तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आपका गांव सारे बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ा लिखा गांव है, बहुत मैनर्ड लोग हैं, बहुत मौजब लोग हैं, बहुत चेचियां जिंदाबाद जी। नेक्स्ट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ बिस्मिल्लाह जी, आया नु के गल है, एमरजेंसी विच रहंदे हो यार बेड़े? एमरजेंसी सही गल है ना जी, सर डॉक्टर हां, तू पीछे एंबुलेंस लहा ले अपने, आपने सिर का हुटर लवा ले, एडा तू स्पीडो स्पीड है राहुल भी ट्रैक ट्रैक नहीं, राहुल इंडिया एक्सप्रेस ਦਾ ਫੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਾਹ ਦੰਦਾ ਨਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਸਬਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੈਰ ਸ਼ੇਰ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਆ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੇ ਕਿਉਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਬਾਤ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੀ ਆ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਦੇ ਵੈੜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈੜੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਚੋਖਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੋਖਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਆ ਜਾ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੋਰੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਸ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹੀ? ਚਲੋ ਹਸਰਤ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਚੂ ਫੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਈਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਵੀ ਨੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਆਇਆ ਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਈਦ ਆਇਆ, ਈਦ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਨੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜੇ, ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਫਾਕ ਗੁਜਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਚੇਚੀਆਂ ਸੇ, ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੁਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਸੋਰੀ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਰ ਮਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਹੋ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਇਓ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਖਵਾਲਨੇ ਆ, ਬਾਰਬੀ ਵੀ ਖਵਾਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਓ ਖਵਾਲਨੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਹੁ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਇਜ਼ੀ ਹੋ, ਤਕੀਆ ਲਾਓ, ਲਾ ਲਓ ਤਕੀਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਕੀਆ ਲਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਓ, ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ। ਹੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾ, ਇਜ਼ੀ ਹੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਘਰ ਬਾਰ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਿਆਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਠਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਈਦ, ਕਿਤਨੀ ਈਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਤਨੀ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ? ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਕੀ
अच्छा अच्छा चलो बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप जी? कौन आया? कोई भी नहीं आया। हमारा कि नहीं? अच्छा, मैं नहीं आया। नहीं तेरे तेरी मौजूदगी और कोई आंदा है? तू बैठे हो तो लोग तुम्हारे घर नहीं बढ़ते होना, घर ही फिर आ जाए। कोई ना, नहीं नहीं तेरा बड़ा आहो जहा ना है। बिल्कुल ठीक गल, ठीक गल। चलो खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमजादे जी हमारे साथ खानिया से। अच्छा जी, और जनाब मेरे साथ हैं शहजाद उल हसन, वो कह रहे हैं लाइव फ्रॉम दुबई। थैंक यू शहजाद भाई। और अच्छा जी, कोई गाना सुना फिर आपने? दिल मंगना तो दिल देना सौदा इको जहा। बाकी जी, तो फेसबुक में जो दोस्त हैं मेरे साथ हैं चौधरी जवेद अशरफ और मोहम्मद सुलेमान हैं, कहते हैं सुनने वालों को स्वाद वखरा ही है। क्या लिखा है? सामने सामने हो तो स्वाद वखरा ही है, यानी वो दरवाजे का उन्होंने लिखा है। और शहजाद सर कह रहे हैं क्योंकि बंदे ने पुतला ना गाना ला, तो शहजाद भाई अल्लाह की कसम है यार, एड्डा गाना इटला है और ये मुझे बड़ो किसने लिख दिया है। चलो कोई गल नहीं, ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा आगे शहजाद सर कह रहे हैं अदील दसद इनू सौदा इको जहा नहीं आंदा। और कामरान राजपूत कह रहे हैं जी के सलाम फैसल भाई, ईद मुबारक। और अरशद मरी है खानपुर, क्या कहारपुर सिटी से, खैरपुर सिटी से। और जनाब और कौन है कह रहे हैं नाइस, और राशिद अली कह रहे हैं शरीका नु अग ला दी, गाना लगा देते हैं जनाब। और अदील दादाफ कह रहे हैं ईद मुबारक। थैंक यू अदील, कैसे हो बॉस? मलक मरशा मेरे भाई हैं फ्रांस से, वो कह रहे हैं सलाम बाबू जी, लगता है गोश्त ज्यादा खा लिया। कौन ही पा जी, उतना ही थोड़े जितना तनी है। ओके जी, रेडियो वालों को साथ ले लें, फिर प्रोग्राम आगे जारी करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन जी, FM 97 दे स्टूडियो विच मैं या फैसल ऋषि, और हो रहा है प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? ईद का तड़का। तो ईद का तड़का, वैसे बड़ी ईद का तड़का होता है तो छोटी ईद का क्या होता है? छोटी ईद में कदा मीठी ईद होती है। और शेयर कह रहे हैं जी गोपती दे, अस्सलाम वालेकुम एंड मुबारक। थैंक यू बॉस। और चौधरी जवेद अशरफ कहते हैं कि लुक लुक के देखने का भी अपना ही स्वाद है। आखो चोरी चोरी। और जवेद एक बार कह रहे हैं जी कि ईद मुबारक। इस मार्ग टू आल FM 97। और अजील ताफ ने अपनी तस्वीर दे दी है, खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई, सदा मुस्कुराते रहो मेरी जान। और अकी मलिक कह रहे हैं जीत मुबारक सर जी। थैंक यू मलिक, कैसे हो, कहाँ से हो? डॉक्टर रियाज कह रहे हैं आई लव यू ब्रदर, आई लव यू टू। डॉक्टर साहब ये देखे, मैं इतरामन खड़ा हो गया हूँ, वरना मैं वैसे कभी नहीं खड़ा हुआ। इट्स दैट्स व्हाई यू डिजर्व दैट, यू आर माय बिग ब्रदर, यू आर लाइक माय रियल ब्रदर, आई लव यू टू डॉक्टर साहब।
डॉक्टर रियाज सैंथल से। और जारिश सारिश चौधरी कह रही है अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जी तो बात ये हो रही है कि ईद पे, बड़ी ईद पे ये जो गोश्त फ्रिज में रख दिया जाता है, राज राज के उसको खाया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वैसे जो बाकी के यानी साल के 11 महीने होते हैं उसमें जब हमें गोश्त ताज़ा मिल जाता है तो ये हम फ्रिज में गोश्त इतना बार बार के क्यों रखते हैं? इसके पीछे हमारी क्या नफसियात है? ये ज़रा मुझे कोई बताएगा कि ये अंदर से हम भुखे और चवल हो गए नहीं, हम बड़े सही लोग, हम बरकत के लिए फ्रिज बरकत, बरकत वाला गोश्त, वरना गोश्त तो सारा साल मार्केट में मिलता है। और शुभाद अहमद बट्टी हैं जी मेरे भाइयों जैसे दोस्त, वो कह रहे हैं कि ईद मुबारक, थैंक यू बट्टी साहब, सीनियर नायब प्रेसिडेंट पंजाब टीचर यूनियन जिला गुजरात, शुभाद अहमद बट्टी। अक्की वाला कह रहे हैं सर जी गोलड़ा आश्रम से, ओए होए। अच्छा ये जो कहा जाता है जी कि ईद नाम है नफरत को कुर्बान करने का, अपनी जो अनाय उसे कुर्बान करने का, राजी करने का, तो कितने कितने लोगों ने कितने लोगों को राजी किया आपने ईद पे? कितने ऐसे लोगों को SMS या व्हाट्सएप किया, कॉल की, घर जाके मिले या ईदगाह में उनको, मस्जिद में उनको मिले, जिनके साथ आपकी पिछले कुछ अरसे से नाराजगी है? कोई मुझे बताएगा कि जानवर के गले पर छुरी फेरने से पहले, जानवर की कुर्बानी करने से पहले किस किस ने अपनी अना की, अपनी आकड़ की, अपनी चित्रहाट की कुर्बानी दी? और जारिश मल चौधरी ईद मुबारक कह रही है, शबाज पट्टी थैंक्स कर रहे हैं, किस बात का बॉस? दुनिया में सबसे औखा काम जिसको करने के बाद बंदा सबसे ज्यादा सोखा हो सकता है वो ये है कि आप नाराज बंदे को राजी कर लें, अपनी गलती मान लें, अगले की भी गलती है तो दफा करें, मिट्टी पाएं। पता नहीं हम क्यों मिट्टी पाना नहीं सीखते। और नाराजगी का एक और बड़ा फलासफी है हमारी जिंदगी में कि हम दोस्त को भी राजी कर लेते हैं, जिसके साथ कोलीग को भी राजी कर लेते हैं, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होते हैं उन्हें हम राजी करते वक्त हमेशा हमारी नाक, हमारी अकड़, हमारा गरूर, मैं कोई काटा, मैं कोई निका मलका या निका चौधरी हैं, मैं कोई उसको लेके खाना, इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। तो जब तक इन चीज़ों को दफन करना नहीं आप सीखते, इन चीज़ों के ऊपर पाँव रखना नहीं सीखते, इन चीज़ों से ऊपर होकर सोचना नहीं सीखते, आप मैच्योरिटी के लेवल को नहीं छू सकते। So I hope के you will do little better। और कौन कह रहा है, क्या नाम है आपका, सही पढ़ा नहीं जा रहा, जीरश चौधरी सर जी आप बातें बड़ी मजे की करते हैं, आखो चीनी खाना ना, गोश्त भी चीनी है। जी इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बाद जिंदगी वैसे बंदे की बड़ी सौखी हो जाती है अगर आप उसको करा के मिलना सीख जाते हैं। शहजाद अहमद क्या कह रहा है कि मिट्टी पाने का ही मतलब नहीं होता फिर उसनों सिर तय बाढ़ लो, इसका मतलब ऐ है बस इग्नोर एंड डू नॉट, क्या लिखी अगे हुए, इंतकामी कार्रवाई। अच्छा ठीक है बिल्कुल, मैं सर थोड़े ना इतफाक करना, थोड़े ना इतफाक ना करके मैं जाना कितने हैं जी? गल तो ठीक है कि मोमन एक शराब से दोबारा तो नहीं डसा जा सकता ना, इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट मीन कि आप दूसरे को सर पे बैठा लें, बात सिर्फ ये है कि कम से कम जब आप आमने सामने हों तो आप अस्सलाम वालेकुम कह लें, हाल चाल पूछने की पोजीशन में हूँ, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करने की पोजीशन में हूँ। और अदील अल्ताफ कह रहे हैं सर, तो सर तो आप है ना सर, हम क्या सर हैं, शहजाद सर को कह रहे हो। Thank you.
जी अगर आप आरजे ली कह रहे हैं तो मुबारक फैसल भाई, थैंक यू आरजे। जी तो एक और बात जो ईद के हवाले से ये है कि अपना सेन तो ज़रूर हम साफ़ कर लेते हैं, जहाँ ऐसी जगह जो जाती हो अगर तो कुर्बानी की जगह पे उसे हम साफ़ कर लेते हैं, मगर हमारी फिर गलियाँ, हमारे फिर गांव, फिर हमारी सारी चीज़ें। कहाँ कॉल कर रहे हैं आप यार, पीटीसीएल पे करना है 0537601961, पैसे लाने पैन देने हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे करो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर लो। ईद का दिन है, इतनी मोहलत हम देते हैं जी कि अगर किसी के पास मेरा जाती व्हाट्सएप नंबर है तो वो मुझे उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा ईद वाले दिन ये जो लंबी आबद शरीफ चौधरी है जी मेरे साथ, जी तो मैं एक व्हाट्सएप कॉल ले रहा हूँ। आबद भाई थैंक यू वेरी मच। और अब्दुल जबार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, इथन जुनान से आए, खाए क्या बात है। ये कॉल ले लें जी, फिर उसके बाद देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप? मैं ठीक हूँ सर, मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि आप लाइव हैं इस वक्त। हाँ मैं क्या मेहरबानी है, हाथ थोड़ा रखना है। हाँ इसका मतलब है कि अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है आपकी उससे थोड़ा सा हट के बात करनी है। हाँ तो ये मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे दूसरी चबड़ भी आ गई है। हैं बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं लादा, मेहरबानी। हाँ कैसी गुजरी आप दोनों की ईद? नहीं कैसी ईद गुजरी वैसे सच्ची सच्ची? और अदील भाई आपकी? मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं जी कि मेरे साथ इस वक्त लाइन पे हैं मेरे खालाजाद भाई स्वीडन होते हैं शहजाद असगर, और मेरे भाइयों जैसे दोस्त अदील स्पेन होते हैं, और अदील के वालिद साहब कोयत होते हैं जिसकी करंसी इस दुनिया में सबसे वजनी है, और उस करंसी के सिरे पे हमने बड़े मिल्क शेक पिए हैं। हाँ अदील पे वजन है लेकिन इसके अब्बे की करंसी बड़ी वजन वाली है। इसका होना भी नहीं मेरा ख्याल है, जो दिल है कर ले। अच्छा फिर मेरा फिर लाल है। मैं खलाज हूं। देखो मैं पहला बंदा जिन्हू नहीं पते आंदे ने वाला बंदा जरा शहीद होना है ना, उन्हें आखना अल्लाह पाक एक बारी फिर मैंने दुनिया स्टोर मैं तेरे रस्ते शहीद होना दोहरी बारी वो लज्जत लेना चाहना, मनु भी अल्लाह पाक ने मौका दिता दोहरी बारी फोत होने का। ना 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 नहीं 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 ए तू सड़ गया सड़ गया। नहीं ए मैं अंदाजा लाया तुसी तो ये ना महसूस कर गए जैलसी फील कर गए कि ए सेकंड अपॉर्चुनिटी लै गया साढ़े को फर्स्ट ही लम्बे पै रहे हैं। नहीं 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 बिचू थोड़ा दिल है उन वास नहीं जब चलता दिल है तेरा अदील अल्ताफ, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आपका भी दिल है कि आप एक और चांस लब्बे? अगर पाकिस्तान ना आवे इतने लोग संसार कर देंगे जी। हाँ नहीं कोई ना वो तो चलो मेरा मेरिया दुआ थोड़े ना ना दिल छोटा ना करो, पैसे कमाओ यूरो कमाओ करोने कमाओ अल्लाह खैर करेगा। नहीं वो मैं तो बगैर ही कर ला, तुसी उसे पैसे कमाओ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੱਖ ਔਖਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕਾ, ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਸੋਰੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਲਿਸਨਰਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਅਮੋਜ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓਂ ਕਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਰ ਰਾਸ਼ਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਾਸ ਬਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਹਲੀਲ ਸਦੀਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਬਲਾਲ ਬਜਾਟ ਸੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਖਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਫਿਟ ਜੀ। ਜੀ ਤੋ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ 3:03 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। تو باتیں کرنے کو یقیناً بہت سی ہیں عید کے حوالے سے، اور اس میں سے ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے، ایک چیز جس میں بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ میں راشد کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی کیسی گزری عید، بڑی زبردست گزری جی۔ اور چودھری مدثر گجر کہہ رہے ہیں کیا حال ہے، تو گجر صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ زمرد والے کہہ رہے ہیں عید مبارک، تھینک یو۔ ہاں جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک اور چیز جو عید کے حوالے سے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی ایک اچھا سا بکرا خرید لیتی ہے اور وہ قربانی کر کے وہ سمجھتے ہیں جی کہ سبھی کی قربانی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے اندر 2-3-4 لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن قربانی وہ بس ایک بکرا کر کے کہتے ہیں جی ہم نے قربانی دے دی، تو انج نہیں ہوتا بوس ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ پہ قربانی فرض ہے، تو الگ الگ سے کرنے پڑتی ہے کہ گھر کے 5-6 بچے ہیں یا 3-4-5 بچے کمانے والے ہیں، اور خواتین کے پاس بھی ان کی ذاتی ملکیت کی حیثیت سے کچھ گولڈ موجود ہے جو نصاب کی حدود کو چھوتا ہے، تو یہ خیال رکھنا ہے کہ پھر ہر ایک پہ قربانی ہے، چندہ پا کے قربانی نہیں کرنی، الگ الگ حصہ پانا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ بکرا لے خریدنا تب بھی، اگر گائے میں حصہ ڈالنا ہے تب بھی الگ الگ۔ اور مہر راشد لطیف کہہ رہے ہیں جی لولی گروپ کو سلام جی، دے دیتا جناب، اتنا تک پاکستان کے جھنڈے سلام نہیں ہوتا جیڑا لولی گروپ کو سلام۔ چودھری مدثر گجر کہہ رہے ہیں کہ بھائی سانگ پلے کر دیں، سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا، گوشت کھا میری جان، نہ پر پیپسی سپرائٹ پی، اس کے بعد دودھ پتی کا کپ پی، چین کر چھڈ، ایسی گلا نہیں کرنیاں۔ اچھا یہ واقعی بات ہوتی ہے کہ سانو ایک پل چین آوے سجنا بنا، یا باتیں بنی ہیں؟ میرے خیال میں ایویں گلا ہی نہ، چین شین آ جاتا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سانو ایک بار چین نہ آوے جس وقت سانو کوئی دوجا نہ لب جاوے، جس وقت تک سانو دوجا کوئی لب نہ جاوے، وغیرہ وغیرہ۔ اور محمد سلمان کہہ رہے ہیں جی بھائی یہ سانگ سنا دو پلیز، ہیں تو آج تسی بھی، اور آج کل کے مڑے کی ہو گیا۔
کسی نے بھیجی ہیں راشد کو. راجدیپ کہہ رہے ہیں کہ تمام شادی شدہ جوانوں کو سسرال سے واپسی ڈے مبارک اور کنواروں کو منجی ڈے اینڈ بیڈ ڈے مبارک. ویسے عید کنواروں کی اچھی ہوتی ہے یا شادی شدہ لوگوں کی؟ خواتین اور حضرات. اوکے جی, ابرار کا گانا ہے اصل تیری گل کر رہی ہوں, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابرار کا کوئی گانا سنا دیں, تو یہی گانا سب سے پہلے میرے سامنے آیا تو میں یہی سنانے لگا. اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی مسکراہٹ کچھ لوگوں کا کہکا دنیا کی کسی بھی رنگ ٹون سے کسی بھی میوزک سے زیادہ مزیدار, زیادہ دلکش, زیادہ دل فریب, زیادہ موسیقیت بھرا, زیادہ سریلا ہوتا ہے نا. آپ کی زندگی میں ہے ایسا کوئی جس کا کہہ کا آپ کو ایسا لگتا ہو؟ اوہ جی, گانے مک گئے تھے, چلو کوئی گانا نہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر گانا, ابرار اللہ حق کا گانا. اور بلال جڑ کہہ رہے ہیں جی کہ سر جی تسی پیزے دے پیسے نہیں دندے نا, تے سر جی جے پیسے دے کے کھانا ہے تے پھر تانوں میں کیوں پچھاننا ہے, پھر میں بابا جی کہتا ہوں تانوں پچھاننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں صغیر بھائی جی؟ گوشت کھانے ہو؟ اوے نہیں سر, ٹھیک دو بجے میں اتھے آ کے کر دیو. ہاں ہاں گوشت کھا کے آیا نا, گوشت ہے عید کے دن سے صبح دوپہر شام گوشت ہی ہوتا ہے نا. ہاں نہیں میں تو سر دو تو چار شو ہے کل, واقعی تمہیں دسیا سی کہ چار تھی چھ ہے, لیکن شام نو پتا نہیں کہ یہ مسئلہ بنیا کہ انہوں نے مجھے میسج کیا جی کہ دو تھی چار تھی شو کرنا. میں جی جی شو ہی ہو رہے ہیں نا, تہاڈی آواز لائیو ہے سر, ایسا ریڈیو تے تہاڈی آواز جا رہی ہے. جی جی تب کوئی نہیں آئے, ادھر نہیں ادھر 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 سجے کھبے اوپر نیچے بس جو آؤں منہ کڈی جاؤ. تھی ریڈیو آن کرو صاحب, میں ریڈیو ایسے بول رہا, تہاڈی آواز بھی ریڈیو سے جا رہی ہے. ہاں بالکل اختر جی صاحب نے پروگرام کیتا سی میں میسج. او اگو میں تیار کرنا تھا سارا سٹیٹس لا دیا نا, تے بہرا تسی ریڈیو آن کرو نا تے پھر کال کرو. جی اور زہرش کہہ رہی ہیں جی کہ جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ کیا لکھا ہے, وہ بھی سونا, وہ نہ بھی سونا ہو تو سونا ہی لگتا ہے, یعنی سارا قصور نہ بےمان اکھیاں دے دل بچارا ایویں بدنا. لو جی پتہ لگا بندہ کوجا بھی ہوئے تو اکھان سونا لگ سکتا ہے. ہم ایسی بہت ساری جوڑیاں دیکھتے ہیں, اس لیے وہ محاورہ بنا ہوا ہے ہور کے پہلو میں لنگور, یعنی کڑی سونی ہو مڑا مندا ہو, اس کڑی کا اس پہ دل آ جائے تو پھر ہو جاتا ہے ویاہ, لیکن اگر مڑا سونا ہو اور کڑی مندی ہو تو ادھر تو ہو گیا کہ ہور کے پہلو میں لنگور, تو یہاں پھر اس کا محاورہ کیا ہوگا؟ کوئی صاحب عقل, کوئی صاحب فہم, کوئی صاحب اردو مجھے بتائے گا. Thank you.
ਬਲਾਲ ਪਜਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਸ ਐਂਡ ਫਰ अच्छा आप लोग ने जो सा भी कलर पहना था जो सा भी जोड़ा पहना था वो आपने किसकी फरमाइश पे पहना था ईद के पहले दिन ईद के दूसरे दिन ईद के तीसरे दिन जरा सच्ची सच्ची मुझे दसो और किस किसने खास कर काला वैसे पाया था ना वो जरूर दसो और बिलाल कह रहे हैं सर जी तुसा हुई इतू सब क्या लिखा है तुसे कदी कुछ पता नहीं यार क्या लिखा है ओखल यहाँ से नजर नहीं आ रहा चलो खैर थैंक यू अच्छा मलकू कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सुरमा पा वैसे आंख जो जो जिसको खूबसूरत आंख कहते हैं जो शायराना आंख होती है उसमें काजल गहरा हो तो खूबसूरत लगता है या हल्के काजल में वो ज्यादा कातल लगती है नसरुल्लाह मुगल हाँ हाँ नसर मुगल साहब आप बताएं और डॉक्टर जकाउल्लाह सिद्दीक आपका क्या ख्याल है आंख भरे हुए काजल में ज्यादा कातल होती है या कम काजल में ज्यादा मासूम होती है जरा अपनी माहिराना आशिकाना शायराना रोमांटिकाना और क्या होती है बहाराना बारशाना राय दीजिए और डॉक्टर जका है जी वो कह रहे हैं जीते रहिए और काला जोड़ा पाके आइए जरूर और चौधरी मुजम्मल थैंक यू बॉस वो कहते हैं जी तुसी शहजादे हो थैंक यू और बिलाल बजाड़ कहते हैं कि मेरी अम्मा ने पाकिस्तान चू काला जोड़ा भेजा सी तो मैं पाया गुड दैट्स गुड पता लगा अम्मा की भी फरमाइश मान लेनी चाहिए अगर किसी के मुखड़े पे काला तिल कुदरत ने ना बनाया हो तो वो जो लगा देते हैं तिल क्या उससे भी नजर टल जाती है या लग जाती है वैसे यहाँ एक और सवाल है कि काला जोड़ा तो पा ले तो सामने किसी वजह थी ना आ सके तो फिर लेकिन आजकल खैर है वीडियो कर लो जी तो काला जोड़ा गाना गया है मौके बैक टू गपशप
اہلِ زکاة کہتے ہیں جی کہ آنکھ آنکھ ہوتی ہے اور سرما اس کی غذا ہے، باقی خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، بالکل دیکھنے والے کی آنکھ میں۔ اس پہ بحث ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب، آپ شاید اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک سوال میں نے اپنے جاننے والوں سے پوچھا تھا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نے سوال یہ پوچھا کہ اچھا جو سونا ہوتا ہے وہ پیارا لگتا ہے یا جو یعنی جو اچھا لگتا ہے، وہ جو سونا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جو اچھا یا جو اچھا لگتا ہے وہ پھر سونا بھی لگنے لگ پڑتا ہے۔ تو زیادہ یہی تھا کہ جو جس کو جو آپ کو اچھا لگ جائے وہ آٹومیٹکلی سونا لگنے لگتا ہے۔ پھر سوال تھا کہ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ حور کے پہلو میں لنگور، بعض دفعہ لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن عام سے کیجول سی شکل کے لڑکے کے ساتھ شادی کی شدہ ہوتی ہے، لیکن اگر صورتحال متضاد ہو ڈاکٹر صاحب اور انصر مغل صاحب کہ لڑکا بہت خوبصورت ہو، ڈیشنگ ہو، اگریسو ہو، اٹریکٹیو ہو، لیکن لڑکی بس آہو، تو پھر حور کے پہلو میں لنگور کا وہاں اس کو ہم کس طرح الٹرنیٹ کریں گے؟ اس پہ آپ کچھ روشنی پائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، قاسم بھائی اپنا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، اسرار احمد مغل بات کر رہے ہیں وزیر آباد سے، رائٹ؟ اچھا جی، بالکل جی، وزیر آباد کی چھریاں تیز ہیں، چاقو تیز ہیں، تو پھر ہماری یاداشت بھی تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر وزیر آباد کی چھریاں چاقو تلواریں تیز ہیں تو پھر پاکستان سب سے تیز ہے۔ اوکے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا جی کہ سرار آپ دو منٹ بعد کال کیجیے گا، کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج اس وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا کہ یک دم یہاں اسٹوڈیو میں کچھ ٹیکنیکل مسائل ہو گئے ہیں، آپ نے جو لکھا ہے کچھ اتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے، لکھا ہے آپ نے کہ ایک گانا گیا ہے مک، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں یہ آپ نے لکھا ہے۔ شمریز اختر کہہ رہے ہیں جی کہ کیسے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ سو فیس بک والے دوستوں سے اجازت چاہوں گا، باقی ریڈیو پہ پروگرام ان شاء اللہ جاری ہے۔ خدا حافظ، عید مبارک۔